सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में असली सफलता हम तभी हासिल करते हैं जब हम दूसरों को सफल होने में मदद करना सीख लेते हैं। जो व्यक्ति अपनी सोच बदल सकता है वो दुनिया बदलने की ताकत रखता है। कोई रूठे अगर तुमसे तो उसे फौरन मना लो, क्योंकि जीत की जंग में अक्सर दूरियां जीत जाती है। महत्व हमेशा खुद को ज्यादा देना, क्योंकि अगर दूसरों को दोगे तो अपना आत्मसम्मान ही खो दोगे। आज का पंचांग 19 मई 2024 दिन रविवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि दोपहर 1:50 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 3:06 तक रही, रात्रि 3:16 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:19 से 6:58 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:50 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे। आप सभी को मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं। कन्या राशि 19 मई 2024 दिन रविवार, आपके पद में बदलाव आपके काम को भी बदल सकता है। अपने काम में आपको अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। आपका नेतृत्व मूल्यवान और जरूरी है। उस सम्मान का आनंद ले जो दूसरे अभी आपको दे रहे हैं। जिस भी कला और तकनीक को आप सीखना चाहते हैं उसे लक्ष्य बनाना आपको पूर्णता प्रदान करेगा। सफलता आपके कदम चूमेगी, बस इसे अपने खुद पर हावी ना होने दें। सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, ये इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। आप आज कल्पनात्मक रहेंगे। कार्यस्थल की ओर से किसी अन्य स्थान की यात्रा का मौका मिल सकता है। आपकी रोमांटिक प्रवृत्ति उजागर होगी। अपने आप को थोड़ी ढील देने का दिन है, लेकिन काम में व्यवहारिकता भी दिखानी होगी। साथियों के साथ अच्छे मूड में रहें। अपनी मेल देख लें, कोई महत्वपूर्ण मेल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सेहत से जुड़ी परेशानियां असहजता का कारण बन सकती है। अगर आप आय में वृद्धि की स्रोत खोज रहे हैं तो सुरक्षित आर्थिक परियोजनाओं में निवेश करें। जिसके साथ आप रहते हैं उसे वाद विवाद करने से बचें। यदि कोई समस्या है तो उसे शांति से बातचीत करके सुलझाएं। मोहब्बत और रोमांस आपको खुश मिजाज रखेंगे। घर पर मिले किसी पुराने सामान को देख कर आज आप खुश हो सकते हैं और सारा दिन उस सामान को साफ करने में बिता सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी के साथ सैर सपाटे का आनंद ले सकते हैं। साथ में समय गुजारने का यह बढ़िया मौका है। आपका साथी आज आपके लिए घर पर कोई सरप्राइज डिश बना सकता है, जिससे आपके दिन की थकान मिट जाएगी। समय अनुकूल है, असकारात्मक परिस्थितियां बनेगी। अपने अंदर छुपी प्रतिभा को पहचाने और उसका प्रयोग करें। साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएं भविष्य में शुभ अवसर भी प्रदान कर सकती है। परिवार के साथ वक्त बिताना अकेलेपन को दूर करने का अच्छा तरीका हो सकता है और इससे आपका संबंध मजबूत होता है। कभी कभी दूसरों से मदद लेने में हिचकिचाहट हो सकती है, लेकिन यह आपको नई सोच और परिप्रेक्ष्य में ले जाता है, जो आपको समस्याओं का समाधान करने में मदद कर सकता है। ध्यान देने योग्य बातें जल्दी ही स्पष्ट होती है जब आप अपने मन को शांति देते हैं और अपने विचारों को साफ करते हैं। धीरे धीरे आप उन बातों को समझ लेंगे जो सही निर्णय लेने में सुझाव प्राप्त करेंगे। काम संबंधित तनाव दूर हो सकता है, महत्वपूर्ण टारगेट भी पूरा होगा। परिवार और पार्टनर की वजह से जीवन में आनंद भी बना रहेगा। आय में आज थोड़ी कमी हो सकती है, अड़चने ज्यादा आ सकती है। दोपहर से समय पक्ष का होगा। अचानक लाभ के योग भी बनेंगे, मेहनत भी ज्यादा करनी होगी। आर्थिक सफलता का भी योग है। बधाई समाप्त हो सकती है, शाम को भी यात्रा हो सकती है। नए संपर्क बनेंगे, मित्रों से मदद प्राप्त होगी। सावधानियां, कभी कभी आपका क्रोध और जल्दबाजी आपके परिवार में परेशानियां उत्पन्न होती हैं, देती हैं। माहौल नकारात्मक हो सकता है, अपने व्यवहार को संयमित रखें। इस समय प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री संबंधित निर्णय न लें। बात करते हैं लव लाइफ की।
किसी नजदीकी रिश्तेदार के साथ मिलना जुलना होगा, तनाव कम होगा, पारिवारिक जिम्मेदारियां रहेगी, लव पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता भी बढ़ सकती है। चाहत में थोड़ी नोक झोंक तो होती रहती है, बस इन्हें गंभीर न होने दें और समय रहते ही अपने मतभेदों को दूर कर लें। धन के जुड़े मामलों को रोमांस से दूर रखें। भाई बहन और पड़ोसियों की मदद के लिए आप हमेशा तैयार रहती हैं। आप रोमांस में माहिर हैं, फिर वो चाहे कुछ नया सीखने की चाह हो या प्यार में रत हो ना, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। बस अपनी दोस्तों की बातों को सुने और उन्हें समझें। आप दोनों एक गुलाबी और प्रणय से माहौल में एक खास रिश्ते की शुरुआत करने वाली हैं, जो आपके रिश्ते को उल्लासपूर्ण बना देगा। आप अपने संबंध से खुश और संतुष्ट हैं, लेकिन इसी संबंध में और आगे बढ़कर आप और भी अधिक खुशी हासिल कर सकती हैं। आपको नई बातें भी पता चलेगी। अगर देखना चाहते हैं तो कुछ ऐसा करें जो आपकी पार्टनर को पसंद नहीं है, तब भी आप पर गुस्सा होने की बजाय वे आपको ये समझाएंगे कि आपको ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। आपको काफी अच्छा भी लगेगा। बात करते हैं करियर की। आज कई कार्य क्षेत्र की सुनहरे अवसर आपका दरवाजा खटखटाएंगे। आज आपको पदोन्नति का संदेह मिल सकता है या नौकरी क्षेत्र में बदलाव के भी आसार हैं, जिसके लिए आप काफी समय से प्रयासरत थे। आपको ऐसी जगह से सहायता मिल सकती है जिस जगह से आपने कल्पना भी नहीं की थी, कल्पना भी नहीं की होगी, जो कि आपको प्रसन्नता से अभिभूत कर सकती है। आपको ऐसी जगह से भी सहायता मिल सकती है जिसकी आपने कभी सहायता की हो। बात करते हैं करियर की। आज आप केवल अपने बारे में सोचेंगे और साथ में यह योजनाएं बनाएंगे कि कैसे कार्यस्थल पर अपनी स्थिति और प्रसिद्धि को बढ़ाया जाए। सार्वजनिक मामलों में आपका अधिक समय गुजरेगा। प्रतिद्वंदी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए सतर्क रहें। पुरस्कार और अच्छे परिणामों के लिए अभी प्रतीक्षा करें। यह दिन आपके लिए जुनून, ऊर्जा और नया जोश लेकर आया है, जिसके कारण आपकी खुशी की कोई सीमा नहीं है। पूर्णता की आपकी भावना आपको किसी भी सिद्धांत या तकनीक में विशेषज्ञ बनाती है। सफलता आपका हर जगह पीछा करेगी, लेकिन अहंकार से बचें और अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें। आपकी व्यवसाय की कार्य प्रणाली में बदलाव करने की नीति अत्यंत महत्वपूर्ण है। बदलाव आपके व्यवसाय को सजीव और अच्छे बनाने में मदद कर सकता है और आपको नई संभावनाओं की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उन्हें हल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना महत्वपूर्ण है। रुकी हुई पेमेंट की मुद्दों को हल करने के लिए आपको संवेदनशीलता और धैर्य से काम करना होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों की तरक्की के लिए योग्य माहौल बनाना महत्वपूर्ण है और अधिकारियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखना आपके व्यवसायिक संबंधों को स्थायी और सकारात्मक बनाए रखेगा। बात करते हैं सेहत की। आपके स्वास्थ्य के प्रति यह संवेदनशीलता बहुत ही प्रशंसनीय है। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना सचमुच महत्वपूर्ण होता है और यह आपके जीवन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। योग जैसी व्यवसायिक गतिविधियों को शामिल करना बहुत ही उत्तेजनादायक हो सकता है, क्योंकि यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को सुधार सकता है। स्वस्थ खाने के विकल्पों को चुनना आपको ऊर्जा और पॉजिटिविटी प्रदान कर सकता है। आज का उपाय, आज आप मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर खिलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।